हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में और फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल घर में बनने वाली फटाफट से कम तेल के नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ और मैं जितने भी नाश्ते बनाती हूँ बिल्कुल कम तेल में ही बनाती हूँ ताकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं जिन लोगों को तेल खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है कम खाने के लिए बोला है कैलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए रेसिपी बहुत हेल्पफुल है तो इसे बनाना करते हैं शुरू बनाने के लिए यहाँ पे देखिए आधी कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और गेहूं का आटा तो वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है घर में आसानी से सबके पास अवेलेबल होता है यहाँ पे अभी बड़े बर्तन में गेहूं के आटे को हमने खाली कर लिया है और यहाँ पे आटा खाली करने के साथ ही इसमें अभी ऐड करेंगे हम मसाले मसालों के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें ऐड कराई ये हरी मिर्ची यानी कि कैप्सिकम और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची दोनों ही ऐड किए मगर कटिंग आपको बिल्कुल बारीक करनी है एक टमाटर मीडियम साइज का बारीक कटिंग करके वो ऐड कर दिया है यहाँ पे साथ ही प्याज ऐड कर देंगे बारीक कटिंग करके और प्याज टमाटर हरी मिर्ची साथ में यहाँ पे हम इसमें थोड़ी सी कैबेज यानी कि पत्ता गोभी कटिंग करके ऐड कर देंगे और यहाँ पे नमक ऐड करेंगे इसके अंदर वन फोर टेबल स्पून और यहाँ पे आप नमक ले सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ऐड करने के साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हम काला नमक तो यहाँ पे मैंने देखिए वन फोर टेबल स्पून नॉर्मल नमक लिया था और यहाँ पे भी मैंने वन फोर टेबल स्पून काला नमक लिया है तो काले नमक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकते हैं नॉर्मल नमक से ही आप इसे बना सकते हैं यहाँ पर अभी मैं इसके अंदर मिर्ची ऐड नहीं कर रही हूँ इसकी जगह हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच और चिली फ्लेक्स काफ़ी अच्छा लगता है नाश्ते में देखने में भी और इस्पाइसीपन में भी हल्दी ऐड किए वन फोर पैट वन फोर टेबल स्पून अभी सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हुए आप इसकी जगह लाल मिर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या अगर आपके पास साबुत लाल मिर्ची घर में मौजूद है तो उसको आप हल्का सा कूट के उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर अभी इसका एक बैटर बना के तैयार कर लेंगे गेहूँ के आटे का और सुबह मॉर्निंग के अंदर आप इस तरह का ब्रेकफास्ट जरूर बनाएँ ये ब्रेकफास्ट बच्चों के टिफिन में रखें बहुत हेल्दी होता है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया इस तरीके से आप इसमें और भी किसी भी तरह के वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं गाजर मटर पालक तो उससे भी एक नाश्ता काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है सुबह सुबह मॉर्निंग में इस तरह का ब्रेकफास्ट अगर खाने को मिल जाए तो हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा और टिफिन के अंदर अगर आप बच्चों के रखते हैं लंच बॉक्स में रखते हैं तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है बच्चों को खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा और इस तरह से रोज़ नाश्ते में पराठे पूरी बना के बोर हो गए हैं तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें पैन रखा है मैंने गैस पे और पैन गरम हो चुका है यहाँ पे पैन पे अभी हम हल्का सा तेल लगा लेंगे एक से दो चम्मच तेल लगाने के साथ ही यहाँ पे जो हमने बैटर बना के रखा है उसको देखिए इस तरह से इस पर ऐड करके चारों तरफ से फैला देंगे और अगर आपका ये चीला अगर गोल नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसको बाद में चम्मच के सहारे से इस तरह से कोल कर सकते हैं मगर ध्यान ये रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है पैन गर्म होने के बाद में और जब आप इसको पलटने जाएंगे तो आप उसको सावधानी ये रखनी है कि नीचे से अच्छे से सिका हुआ होना चाहिए नहीं तो ये बीच में से टूट जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी कि इसको हमने थोड़ा सा जल्दी पलट लिया था तो हल्का सा ये साइड से टूट चुका है मगर बाद में देखिए बहुत अच्छा सिका है बहुत बढ़िया कलर आ गया है और हमने इसको बना के तैयार करके प्लेट में निकाल लिया है तो जितना भी बैटर हमने बनाया है फ्रेंड उसके इसी तरह से हम बना लेंगे और बहुत ही टेस्टी बनाता हमने बनाया था बच्चों को खूब पसंद आया था तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और अगर आप इस रेसिपी को देख के बनाते हैं तो आपको मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी आपने अगर बनाई तो तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से दूसरा भी मैंने चीला बना के तैयार कर लिया है बिल्कुल पराठे की तरह लगे गए खाने के अंदर और बिल्कुल पराठे खा के अगर बोर हो गए हैं तो इस तरह से एक बार नाश्ता जरूर बनाएं तो यहाँ पे देखिए हमने बना के तैयार कर लिए हैं सारे ही पीस और काफ़ी सुंदर काफ़ी डिलीशियस काफ़ी यम्मी लग रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है हमने गेहूँ के आटे का सुपर टेस्टी नाश्ता पराठा चीरा रेसिपी आप कुछ भी कह सकते हैं वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर लें चैनल सब्सक्राइब कर लें घंटी बटन आप जरूर दबा दें फ्रेंड्स अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए और यहाँ पे मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो